34.05 डिवाइड बाई ml है थाउजेंड, पर, लीटर में यस बदल लो सर, उसको, हाँ जी, इजिकल टू डब्ल्यू बाई एम। डब्ल्यू कितना है यस हमारा, सर, पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट सिक्स, जीरो पॉइंट जीरो सिक्स सिक्स टू टू फाइव फाइव, यस सर, अपॉन एम। और ये 819 हो जाएगा टेम्परेचर, 819 आ रहा था, यस सर, 546, 273, 819। तो एम क्या हो जाएगा, 1000, इधर 83 चला जाएगा खाली, ये 0.0625 इंटू एटी इनटू, थ्री यस सर, इंटू 819 डिवाइडेड बाई, ये दोनों हट जाते हैं तो ये 0.1 इंटू 34.05, ये दोनों हट गए, एक दो 62.5। तो ओके सर, उसको करो, कैलकुलेशन क्या आती है, मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ। पॉइंट जीरो सिक्स टू फाइव इंटू 83 इंटू 819 इजिकल टू हो रहा है कितना, 4248 पॉइंट फाइव सिक्स डिवाइड बाई 3405। वन पॉइंट टू फोर आ रहा है, आंसर 1249.8 है, 1249.8 ग्राम पर मोल, 1249, हाँ जी, नहीं नहीं एक मिनट, थर्टी मेरा 122 आया था, 34.05 है ना, यस सर, पॉइंट जीरो सिक्स टू फाइव है, यस सर, 0.083, 819, और ये 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा रहेगा 83, 89, 0.065, 0.1 और 3.40, तो ये 1000, तो 62.5। ये कैसे हो सकता है, प्रेशर कितना था, 0.1 बार, यस सर, ये बार दोबारा कर लेते हैं, 62.5, 62.5 इंटू 83 ये 4248, 62.5 इंटू 83 इंटू 819 ये आ रहा है 4248562, 4248562 पॉइंट फाइव, आपका कितना आ रहा है, डिवाइड बाई 3405, 3405, 1247, 0.74, ये आंसर आ रहा है, ओके सर, ठीक आ गया। अभी सर पीछे तो 1249 है, वो चल जाता था, मेरा उन्होंने 1222 था, अभी करो ना इसको, इसके मल्टीप्लाई करो, ये इसको ऑन करो ना वीडियो ओके, अपना, अच्छा हाँ सर, हो नहीं रहा, मैंने कोई बात देखा, नहीं कोई बात नहीं, तो फिर इसको मल्टीप्लाई करो, ये इंटू ये इंटू ये नंबर इतना आ रहा है कि देखो, मेरा यही, हाँ ये ऊपर वाला मेरा 41637 फोर कैसे आ था, जाएगा जब 4.2 आ रहा है, तो ओके 62.5 दोबारा कर लो ओके, ओके इंटू 83 इंटू 819, ये दो कितना था, ये
सर मैंने 0.065 को 0.062 लिख दिया था, इसलिए गलत हो गया था। अच्छा हाँ जी, कैसे और हो गया, रब हो गया? आगे बढ़े रमेश को। यस सर। हाँ और बताओ। सर अरे 16th वाला बोलो क्वेश्चन। हाँ बोलो बोलो। पेलोड इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द इसको छोड़ दो, मास। इसको इसको छोड़ दो, बहुत बड़ा है। कैलकुलेशन कैलकुलेशन मैं समझा दूंगा, मुझे खास बात कुछ नहीं है, ओके सर। बहुत क्यों है, घंटों लग जाएंगे और फायदा कुछ नहीं है इसके करने, कोई नहीं पूछता। ओके सर, और क्या है बस यहीं तक करे थे 16 तक। कैलकुलेट उसके आगे, 17th क्या है, बोलो जरा। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 8.8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट 31.1 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर। करो उसको, अरे हाँ सक्षम आ गए। यस सर। कुछ किया था आपने कल मतलब स्टेट्स ऑफ बेटर में? सर 5.048। आंसर चेक करो, सर 5.05।
चलो चल जाएगा। नेक्स्ट पढ़ो, क्वेश्चन क्या है? 2.9 ग्राम ऑफ अ गैस एट 95 डिग्री सेल्सियस ऑक्यूपाइड द सेम वॉल्यूम एज 0.184 गैस ऑफ डाइहाइड्रोजन एट 17 डिग्री सेल्सियस एट द सेम प्रेशर। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द गैस? समझ में आया कैसे करेंगे? यस, प्रेशर सेम है दोनों का, वॉल्यूम का प्रेशर कितना हो जाएगा? 2.9 अपॉन m इनटू v r इनटू t। यस सर। इसका प्रेशर कितना हो जाएगा? 0.184 अपॉन 2 इनटू r। यहां पे t कितना आ जाएगा? 17 था ना पर, यहां पे 20, दोनों में 29 डिग्री था सर। हाँ नीचे 17 है। यस 290, और यहाँ कितना हो जाएगा? 273 प्लस 95 368। ठीक है? यस सर। वॉल्यूम तो दोनों सेम है। यस सर। तो ये दोनों सेम हो गए। यस सर। मतलब 2.9 एम इंटू वी इंटू आर इंटू 368 इज इक्वल टू 0.184 अपॉन 2 इंटू वी आर इंटू 290। यस सर। आर आर कैंसिल, वी वी कैंसिल। यस सर। ये है 0.184 ना, और ये 368 के डबल हो जाएगा। ये मतलब ये हटा दो तो यहां पर 1000 आ जाएगा और ये 2 हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। ये हो गया हमारा 145। अल्टीमेटली क्या बचा हमारा? m कितना आ गया? m इज इक्वल टू 2900 यस सर इनटू 2 डिवाइड बाई 145। ठीक है? यस सर। ये हो जाएगा 20। दो एम 40 आ रहा है क्या? सेक्शन समझ में आ रहा है आपको? पता नहीं मतलब क्या, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन बता दो उसको। 5.18 गैस स्टेट का। ठीक है, आप खोल लो, नेक्स्ट पढ़ो जरा फटाफट। A mixture of dihydrogen and dioxygen at 1 bar pressure contains 20% by weight of dihydrogen. अब एक चीज जरा से देख लेते हैं लोग। लिखो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसका प्रेशर पहले समझ लो फिर मैं आपको लिखवा देता हूं। जैसे एक बॉक्स है, इसमें गैस ए है तो उसका प्रेशर कितना हो जाएगा? पी ए। सेम बॉक्स है दूसरा, उसमें गैस बी है, उसका प्रेशर पी बी। ये दोनों गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं करती, सेम कंडीशन पर दोनों गैसेस, एक सेम बॉक्स तीसरा है सेम टू सेम, उसमें दोनों गैसेस डाल दी तो यहां प्रेशर हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। समझ में आया आपको? यस सर। इसको बोलते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो लिखो द लिखो इफ ए नंबर ऑफ
नॉन रिएक्टिंग गैसेस आर कन्फाइंड इन अ वेसल देन द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ गैसेस will be equal to the sum of partial pressure of all the gases confined in the vessel. ये समझ में आ गया लिया सर? पार्शियल प्रेशर क्या होएगा फिर बता दो, बता दो। ये नोट कर लिया आपने? यस सर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? ये पार्शियल प्रेशर होता है अगर उसी गैस को, मतलब किसी गैस को उसी वैसे में डाल दो अकेले, वो जो प्रेशर एग्जर्ट करेगी उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। Partial pressure of a gas is the pressure that the gas will exert if it is confined in the same vessel alone. ठीक है? समझ आया? Yes sir. हटा दूँ उसको? Yes sir. हम लोग कह सकते हैं P total is equal to P1 plus P2 plus P3 plus P4 and so on. Yes, sir. तो P1 क्या होता है? nRT by V, N1 RT by V plus N2 RT by V plus N3 RT by V and so on. और आर टी बाई वी एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री एंड सो ऑन। यस, तो पी वन क्या हो गया? ये पी ए, पी वन क्या हो गया? एन वन आर टी बाई वी। यस सर। तो पी वन अपॉन पी टोटल हो गया हमारा आर टी बाई वी, तो कर जाएगा एन वन ओब्लिक एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री एन सो ऑन। समझ आ गया सर? ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ वन। टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इसे बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। मालूम है ना? यस सर। तो पी वन क्या हो गया? पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वन इंटू पी टोटल।
ये बात समझ आई आपको? यस सर। सक्षम आपको? सर लास्ट में क्या लिखा है? ये यस सर, मतलब पी वन या ए मान लो प्रेशर ऑफ गैस वन इक्वल टू काई वन, मतलब टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ वन इनटू पी टोटल। ओके सर, ये बस में आ गई? यस सर। हटा दूं? यस। हम लोग कह सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, समझ में? यस सर। गुण? यस सर। हटा दो उसको? यस सर। अब क्वेश्चन पढ़ो जो पढ़ रहे थे ना, फाइव पॉइंट कितना था ये? अब पढ़ो क्वेश्चन। सो अ मिक्सचर ऑफ डाइहाइड्रोजन एंड डाइऑक्सीजन एट वन बार प्रेशर कंटेन्स 20% बाय वेट ऑफ डाइहाइड्रोजन। कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइहाइड्रोजन। पार्शियल प्रेशर डाइहाइड्रोजन, अभी आप देखो हाइड्रोजन कितनी है? 20%। हाइड्रोजन कितनी है? 20%। मतलब टोटल अगर 100 ग्राम है तो हाइड्रोजन कितनी होगी? 20 ग्राम। यस सर। और O2 होगी 80 ग्राम। 80 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए? 20/2 10। ऑक्सीजन के मोल्स कितने हो गए? 80/32 2.5। टोटल नंबर ऑफ मोल्स 10 + 2.5 12.5। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन हो गया कितना? 10/12.5। ये बात समझ आई आपको? यस सर। यस सर। PH2 कितना हो गया? मोल फ्रैक्शन टू टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर है 1 बार, तो ये हो जाएगा 100/125 × 1 0.8 bar। आंसर चेक करो। यस सर, यही है। समझ में आ गया आपको? सक्षम आपको? यस सर। ठीक से यस सर, आगे नेक्स्ट पढ़ो जरा। ये 1.8 था सर, 1.9। ये 1.9 था अभी जो कि हमने, हाँ जी, 20 के लिखा हुआ है। What would be the SI unit for the quantity PV2T2/N? ये छोड़ो छोड़ो, उसको तो बना लोगे। नेक्स्ट पढ़ो। In terms of Charles' law, ये तुमने कर लिया ना? Plane, हाँ जी। फिर तो सारे में कर दिया आदमी। चलिए। ये नहीं। Explain the physical significance of van der Waals. वो अपने किया नहीं है, ये अभी किया नहीं मैंने। तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया, मतलब वो इसे न्यूमेरिकल हमारी खत्म हो गई। यस सर। अभी एक दो चीजें और कर लेते हैं हम लोग उसकी। लिखो तो जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो हो गया है। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन हो गया, कौन सा वाला? सेकंड लास्ट क्रिटिकल टेंपरेचर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एट मीथेन 31.1 इसको मैं आपको अलग से समझाता हूँ, समझा देता हूँ पहले इसको मैं।
फिर आगे बढ़ते हैं लोग। एक्चुअली ये गुण का समझने का नहीं है क्योंकि उनके स्कूल में ये नहीं आ रहा, ओनली गैसेस से लिखा ना उन्होंने तो, लेकिन उसे समझ लो हम किसी गैस को लिक्विफाई कैसे करते हैं, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। आप बताओ सक्षम किसी गैस को लिक्विफाई कैसे करेंगे? प्रेशर इंक्रीज करके या फिर टेम्परेचर डिक्रीज। प्रेशर इंक्रीज और टेम्परेचर डिक्रीज, ये बात सुनिए आपको। यस सर, मतलब प्रेशर बढ़ाते जाएंगे टेम्परेचर कम करते जाएंगे तभी गैस लिक्विफाई होगी। यस सर, लेकिन एक टेम्परेचर ऐसा होता है जैसे कि CO2, इसके लिए 31.1 डिग्री कार्बन डाइऑक्साइड की, अगर टेम्परेचर इससे ऊपर हो गया मतलब 31.2 डिग्री हो गया तो कितना भी प्रेशर लगा लो यू कैन नॉट लिक्विफाई। ये बात समझ आई आपको? यस सर, मतलब इस टेम्परेचर को टापते ही कितना भी प्रेशर लगा लो गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई। पर सर अगर जैसे टेम्परेचर कम है एकदम और प्रेशर नहीं लगाया ज्यादा तो होएगा लिक्विफाई? तो भी नहीं, देखो ऐसा होता है प्रेशर लगाकर तो लिक्विफाई करोगे ना, लेकिन प्रेशर लगाने का फायदा तब होगा जब टेम्परेचर ये या इससे कम होगा। इससे जरा सा भी बढ़ गया तो जितना मर्जी प्रेशर लगा लो कोई फायदा नहीं, बेकार जाएगा। समझ आया? ये बात समझ आएगी कि नहीं है आपको? यस सर, आ गई। इस टेम्परेचर बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर। अब इसको लिख लेते हैं, क्या होता है क्रिटिकल टेम्परेचर? द टेम्परेचर अबाउ विच अ गैस कैनोट बी लिक्विफाइड whatever may be the applied pressure, ठीक है, whatever may be the applied pressure। ये बात समझ आपको? Yes sir। अभी हमारे पास दो गैसेस हैं ए और बी, ए का क्रिटिकल टेम्परेचर 25 डिग्री, बी का 45 डिग्री, किसका लिक्विफिकेशन ज्यादा होगा? ए का। आप बताओ गुण किसका ज्यादा होगा? सर ए का। ए का, एक सेकंड हो गया। हेलो, हाँ क्या हो गया पता नहीं। गुड, बढ़िया। नहीं कितने का हो गया? 47। वेरी गुड, मैं क्लास में था मैं देख नहीं पाया। चलो देखते हैं थोड़ी देर क्लास में। ठीक है, ए का क्रिटिकल टेम्परेचर 25 डिग्री, बी का था 45 डिग्री, किसका लिक्विफिकेशन ज्यादा होगा? एका। गुण? एका सर। नहीं, बी का होगा क्योंकि 26 डिग्री पर आकर ए का लिक्विफिकेशन बंद हो जाएगा, 25 तापते ही इसका लिक्विफिकेशन बंद हो जाएगा। ये बात सुनिए आई, इसका होता चले जाएगा सर, उसका बंद क्यों जाएगा 25? मैंने कहा क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, जिस टेम्परेचर के बाद गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती कितने प्रेशर लगा लो। अच्छा तो 25 और 45 क्रिटिकल टेम्परेचर है। हाँ, ये बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर, आ गई। हाँ,
गुरु को समझ आ गई बात ये? यस सर। तो अब इसमें से बताओ दोनों में इंटरमोलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें ज्यादा है? इंटरमोलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा किसमें है, ए में या बी में? ए में। ए में इंटरमोलर फोर्स का मतलब होता है जो ज्यादा लिक्विफाइड हो सकती है उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो लिक्विफिकेशन हो रहा है। एक तो लिक्विफिकेशन बंद हो गया, तो फिर बी में। तो आप ये लिख लो सर, अगर जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर पे ही रह रहा है उससे बड़े ना, तो फिर ना? जैसे 25 डिग्री पे ही है ना, अगर बढ़ नहीं रहा तो फिर तो ए का ज्यादा होगा ना? नहीं, तब दोनों का बराबर होगा, दोनों के लिए प्रेशर लगा लो और लिक्विफाई करते चले जाओ। अच्छा ओके सर। मोर द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ए गैस मोर विल बी इट्स लिक्विफिकेशन एंड मोर will be the intermolecular forces of attraction between the molecules. ये बात समझ आई आपको? Yes, sir. अब क्वेश्चन पढ़ो अपना वाला सक्षम। क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन आर 31.1 डिग्री सेल्सियस एंड -81.9 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली, व्हिच ऑफ दीस हैज स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड व्हाई? आप बता दोगे? यस सर, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ आ गया? यस सर। आपको समझ में आ गई बात ये? यस सर। बता दूं? यस सर। इसको मैं हटा देता हूं। नेक्स्ट लिखो, काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ अ गैस। काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ अ गैस, इसका मतलब क्या होता है? हमने गैस के बारे में कुछ पढ़ा है, जैसे कि बॉयलरा पढ़ा है, प्रेशर लगाओगे वॉल्यूम कम हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वगैरह वगैरह हमने गैस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है। पर गैस एग्जैक्टली होती क्या है? अगर पूछे गैस होती क्या चीज है तो कैसे बताया जाएगा? उसके लिए इसको बोलते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ गैस। मतलब कुछ गैस के बारे में कुछ पॉइंट है जो गैस को डिफाइन कर पाए। समझाया? यस सर। तो इसके कुछ पोस्टुलेट्स है वो लिख लो। नंबर वन, गैस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स called molecules. Molecules of a gas are identical, but they differ from gas to gas. ये बात समझ आ गई आपको? यस सर। मतलब इसलिए डिफर करते हैं तो सारी गैस एक जैसी हो जाएंगी? हर गैस की मॉलिक्यूल अलग अलग होता, तभी गैस अलग अलग होती है। तो जैसे साइज में डिफर करता होगा ना? हाँ, साइज में, शेप में, बहुत सी चीज डिफर करता है, एटॉमिक वेट में। तो नंबर टू,
द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज नेग्लिजिबल. Compared to total volume occupied by the gas. Volume occupied by the by molecule of a gas is negligible compared to total volume occupied by the gas. So yeah. Yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कह रहे हैं बात हम, क्योंकि गैस को बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है. गैस को कंप्रेस इसे कर सकते हैं कि गैस ने वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई कर रखा है, वॉल्यूम कम है मॉलिक्यूल का, इसे कितने दबाते चले जाओ. ये बात समझ आई नहीं आई? लिखो द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर ऑलवेज इन कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन. Constant random motion. हम क्यों कह रहे हैं कि constant random motion में है? सर क्योंकि मूव करते रहते हैं. क्यों करते रहते हैं मूव? किसने कहा है मूव करते रहते हैं? काइनेटिक एनर्जी. ओहो, अगर कोई जिसने गैस देखी ना हो वो क्यों मानेगा कि ये मूव कर रहे हैं? और मूव कर रहे हैं तो कॉन्स्टेंट मोशन से नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? रैंडम मोशन क्यों कह रहे हैं? रैंडम मोशन में बैठे सर, उनकी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होती है तो रैंडम क्यों हो रहा है? उसी हिसाब से बढ़ते जाए. ये बात समझ आई? आई इसलिए कि अगर गैस मॉलिक्यूल्स रेंडमली नहीं चलेंगे, इधर इधर तो नहीं चलेंगे, तो उनकी वो शेप बन जाएगी. अब सारे एक जैसे चलने लगेंगे, एक जैसे मोशन में आ जाएंगे, तो उनकी शेप बन जाएगी कुछ. yes, और गैस डू नॉट हैव द फिक्स शेप, इसलिए देन रेंडम मोशन. अगर खड़े हो गए चल नहीं रहे तो भी एक शेप बन जाएगी, सारे लोग लीजिए खड़े हो जाएं तो शेप ना बने इसलिए चलते हुए रहना चाहिए और रेंडमली कोई किधर कोई किधर, सो दैट गैस डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप. ये बात समझ आई? यस सर. यस सर. There is no force of attraction between the molecules of gas. ठीक है? Yes, sir. एक सेकंड सर. हाँ हाँ.
कर लिया? Yes, sir. तो हम जो कह रहे हैं there is no force of attraction with the molecule of gas, इससे क्या सबूत है? क्योंकि सर अगर होती तो वो लिक्विड या सॉलिड हो जाते हैं. ऐसा होता है अगर एक सिलेंडर में गैस ले ली हाँ, और एक पिस्टन लगाकर इसको दबा दिया, फोर्स से नीचे दबा दिया उसको, है ना, पिस्टन नीचे दबा दिया, दब जाएगी गैस, सिलेंडर यहां आ जाएगा हमारा, एक साल तक भी पड़े रहते सही, उसके बाद जैसे ही उठाओगे इसको तो गैस उठ के ऊपर आने लगेगी अपने आप, है ना, ये बात समझ में आई? Yes, sir. तो इसके मतलब इनके पीछे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ही नहीं, ये बात समझ आई आपको? Yes, sir. हटा दो उसको गुण. Yes, sir. सक्षम. Yes, sir. ये कितने नंबर लिखा था लास्ट? सर 4. फाइल हो ड्यूरिंग देयर रैंडम मोशन द मॉलिक्यूल्स collide with each other and also with the walls of container. And the pressure of the gas is due to these collisions. नोट कर लिया? यस सर. आगे बढ़े? यस सर. देखो दीज कोलिजन्स आर इलास्टिक दैट इज no energy is lost due to these collisions. Note clear? Yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ? ये क्यों कह रहे हैं कि इलास्टिक होते हैं? हम ये कह रहे हैं कि कोलिजन इलास्टिक होते हैं. सक्षम आप बताओगे? सक्षम सर, क्योंकि उनका मतलब वो कितना भी ज्यादा फैल सकते हैं. नहीं नहीं, अगर दो कोलिजन हो रहे हैं, ये दोनों आगे टकरा रहे, हम कह रहे टकराने से ये इधर चला गया, इनके एनर्जी लॉस नहीं होगा,
एनर्जी लॉस नहीं होगा। पूछ रहे थे ना कोलिजंस और इलास्टिक का पूछ रहे थे ना। हाँ तो इलास्टिक का मतलब क्या होगा इसमें? इलास्टिक का मतलब ये होता है, आपने कभी क्रेजी बॉल से खेले हो बचपन में? यस सर। अभी एक बार ऊपर से डाल देते टक 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 उछलती रहती है वो। यस सर। क्योंकि उसके गोलेज में एनर्जी लॉस नहीं होता, इसलिए चलती रहती है वो लगातार। एक होता है क्रिकेट की बॉल ऊपर से नीचे डालो, एक थप्पड़ खा के गिर जाएगी वापस, है ना? यस। तो पहले थप्पड़ में उसकी एनर्जी निकल गई, उससे बोलते हैं प्लास्टिक कोलिजन, प्लास्टिक। और जिसमें एनर्जी नहीं निकलती लगातार टक 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 चलती रहती है, होती है इलास्टिक। ओके सर। समझ में आया आपको? यस सर। तो इनके कोलिजन होते हैं इलास्टिक, उसमें एनर्जी लॉस नहीं होता। ऐसा क्यों कह रहे हैं? मतलब ये क्यों कह रहे हैं कि इनके कोलिजन इलास्टिक है? इसलिए कि अगर इलास्टिक ना होते तो एनर्जी लॉस होता। जब एनर्जी लॉस होता धीरे धीरे एनर्जी खत्म होती जाती है ना? यस सर। और जब एनर्जी खत्म हो जाती ये नीचे गिर पड़ते अंडर फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फिर मूवमेंट ना हो पाती। ये बात समझ आई नहीं आई? तो सारी हवा नीचे गिर जाती पार्टिकल्स के, टकरा टकरा की एनर्जी खत्म हो जाती, फिर वो नीचे गिर जाते, उनकी एनर्जी खत्म हो जाती तो ये मूवमेंट में नहीं रह पाते। ये बात समझ आई? यस सर। गुण आपको? यस सर। नोट कर लिया? हो गया सर। हो गया? हरा दो उसको। गुण? यस सर। चलिए अभी हम लोग समझते हैं। तो एक होती है रियल गैस, अभी तो हम पढ़ते थे आइडियल गैस, एक होता रियल गैस। रियल गैस क्या होता है? हम एक बात याद रख लो, दुनिया में कोई भी चीज आइडियल नहीं होती है। क्या बोला मैंने? जैसे कि मैंने कहा था अगर प्रेशर वर्सेस पीवी हम करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी। मैंने बताया था ना आपको? यस सर। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जो हमने करा तो ऐसे आती है, ये ऐसे आ जाती है, कोई यूं चली जाती है, कोई ऐसे चली जाती है, पर ऐसे नहीं आती। तो इसका मतलब गैसेस जो हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं और जो एक्चुअल में हो रहा है वो दोनों में बड़ा फर्क आ रहा है, थ्योरी में और प्रैक्टिकल में बहुत फर्क आ रहा है। ये बात समझ में आपको? एक्चुअल में गैसेस अलग बिहेव करती हैं और थ्योरी में अलग कहते हैं। जो एक्चुअल होगा उसे बोलते हैं रियल गैस,
उसे क्या बोलेंगे हम लोग? रियल गैस। रियल गैस। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर हमारी थ्योरी में क्या कमी रह गई कि जिसकी वजह से गैस वैसा बर्ताव नहीं कर रही जो थ्योरेटिकल करना चाहिए। ये बात सुनिए आपको। यस सर। दो क्वेश्चन आ गए कि ऐसा क्या गलती हो गई थ्योरी में, हमने बहुत सोच समझ की थ्योरी बनाई थी, उसके बावजूद क्या बात ऐसी रहेगी कि जो गैस कहना नहीं मान रही, बिगड़ गई। जब बाबा भी कहते ना कि बच्चा बिगड़ गया हमारा पढ़ता नहीं है, क्या कमी रह गई हमारे पालने में, है ना, हमने ऐसे क्या गलती कर दी जो बच्चा कहना नहीं मान रहा, आइडियल नहीं बन रहा। और दूसरी बात ये भी है कि क्या करें ये ठीक हो जाए, किस कंडीशन पर ये आइडियली बिहेव करेगी, ये हमें सीखना है खाली। ये बात सुनिए आपको। यस सर। अभी मैं इसको बताता हूँ, इस अगले पेज पे ले आता हूँ, इसके बाद दोबारा खोलूंगा पेज को। होता क्या है, हमारे दो जो पोस्टुलेट्स थे, टू पोस्टुलेट्स ऑफ द काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल आर नॉट फुल्ली करेक्ट, कुछ कमियां हैं। क्या है? नंबर वन, पहला ये था, देर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ये बात पूरी तरह ठीक नहीं है। गुण ओके सर, ये बात पूरी तरह ठीक नहीं है, क्योंकि अगर ये बात ठीक होती, ये बात अगर ठीक होती तो गैस कभी लिक्विफाइड हो सकती थी, है ना? सर, गैस लिक्विफाइड होती है। एक सेकंड, गैसेस तो लिक्विफाई होती है, हाँ? Yes, sir. तो मतलब गैस के पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता है, तो देयर इज सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ गैस due to which the gas can be liquefied. ठीक है, ये बस भी आपको। Yes, sir. दूसरा पोस्ट, हाँ, दूसरा पोस्टुलेट में कभी क्या थी, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल। कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। ये क्यों सही नहीं है? अगर एक गैस है, सपोज उस गैस को आपका जो बड़ा रूम है उस रूम में डाल देंगे तो पूरे रूम को ऑक्यूपाई कर लेगी। दिस इज योर रूम, बिग रूम, हॉल। ये गैस इसमें पूरी फैल गई। उसी गैस को छोटे से डिब्बी में उसमें कन्फाइन कर सकते हैं उसी गैस को। ये बस में आई? यस सर।
उसी गैस को पूरे रूम में फैला सकते हैं, उसी गैस को छोटे डब्बे में डाल सकते हैं। यहां पर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ गैस मे बी नेग्लिजिबल, पर यहां तो कोई ना कोई वॉल्यूम आ जाएगा, इतना नेग्लिजिबल नहीं होगा। ये और छोटे डब्बे में ले आए, अब तो कुछ भी वॉल्यूम होगा उसका। ये बात सुन आई आपको? यस सर। मतलब बड़े वॉल्यूम रेशियो हो गया ना, मतलब जैसे मॉलिक्यूल्स का गैस से। हाँ, अब तो कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ पर मॉलिक्यूल का, जो इग्नोर नहीं कर सकते अभी। हाँ यस सर, ये बात सुन आई? तो ये बात ही पूरी तरह ठीक नहीं है। तो अंडर किस कंडीशन में ये दोनों बातें सही होंगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब खत्म हो जाएगा इनके बीच में से? जबकि गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाए। यस सर। तो गैस ये लिखा है, देयर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ गैस। ये तभी होगा जब गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाए, और बहुत ज्यादा तब होगा जबकि टेम्परेचर बहुत हाई हो, प्रेशर बहुत कम हो। यस सर। इसी तरीके से अगर एक गैस को बड़े जगह में ले आए तो मॉलिक्यूल के वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। वी कैन इग्नोर द वॉल्यूम ऑफ गैस एट अ वेरी हाई वॉल्यूम। ये बात समझ आई आपको? यस सर। आपको समझ आई बात ये? गुण? यस सर। तो इससे मैं मालूम क्या चला, मैं दोबारा प्राइम सेट पे आया था, इस पर अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा तो ये दोनों जो परेशान हमारी जो कमियां थी वो छुप जाएंगी। जैसे प्रेशर कम से कम हो, कम प्रेशर पर एवरी गैस तो इसी पॉइंट पर है, प्रेशर कम तो सारी गैस यहीं से शुरू हो रही है ना? ये बात समझ आई? जहां प्रेशर जीरो है ना, यहां पर तो प्रेशर सारी गैसें वही बिहेव कर रही है। यस सर। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कंडीशंस है, अंडर द conditions of low pressure, and high temperature, the real gas will behave ideally. ये बस मैं आपको यस सर। गुण? यस सर। अभी समझ में आई बात आपको? दैट अंडर द कंडीशंस ऑफ लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर द रियल गैस विल बिहेव आइडियली। सर एक तो रियल गैस होती है, दूसरी क्या होती थी? आइडियल गैस। ओके सर। हम लोग आइडियल गैस पढ़ते हैं, पर गैस का बिहेवियर आइडियल गैस से नहीं होता, तो उसी गैस का बिहेवियर आइडियल गैस से बनाएंगे जो उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा। और बहुत ज्यादा वॉल्यूम कब होगा? जब उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा और प्रेशर कम होगा।
हटा दो उसको. यस सर. अभी देखो वेंडरवाल इक्वेशन फॉर द गैसेस. वेंडरवाल इक्वेशन तो वेंड हमारी इक्वेशन क्या होती थी पी वी इजिकल टू एन आर टी. तो वेंडरवाल ने थोड़े इसके अंदर चेंज कर दिए और एक नई क्वेश्चन बना दी. समझे बताई. यस सर. क्या बताया गुड मैंने. वेंडरवाल ने चेंज कर दी. बताओ कि वेंडरवाल ने वाली इक्वेशन थोड़ी चेंज कर दी. चेंज कर दी उसके जो चेंज बोलते हैं करेक्शंस. एक तो उसने किया प्रेशर करेक्शन. प्रेशर करेक्शन प्रेशर के समय क्या करा जैसे कि आप ऐसे समझो अगर एक मॉलिक्यूल यहां पर है और एक मॉलिक्यूल इसके पीछे है सपोज ये इसको टकराता है वॉल को तो उससे प्रेशर बनता है क्या इसका. ये बात सुनिए क्या. मैंने कहा प्रेशर ऑफ ए गैस is due to the collision with the wall of the container. Yes sir. तो गैस का प्रेशर क्यों बना due to the collision with the wall of the container. सर लेकिन वैसे जब वॉल पे कोलाइड करेंगे तो प्रेशर तो बनता है. हाँ जब गैस इसको कोलाइड करती है तो उसके कारण जो प्रेशर होता है उसे बोलते हैं प्रेशर ऑफ गैस. नहीं वो तो ठीक है सर. मैं पूछ रहा हूँ कि प्रेशर क्यों बनता है मतलब जैसे कोलाइड कर रही है तो प्रेशर कैसे बन रहा है. अगर ऐसे बनता है अगर कोई भी चीज किसी को कोलाइड करेगी तो उससे प्रेशर एग्जिट करेगी. मतलब अगर मान के चलो गैस मॉलिक्यूल यहां से आया और ये चलते 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 यहां से बाहर निकल गया है ना तो उसमें कोई प्रेशर नहीं था. अगर ये यहां से टकरा के वापिस चला गया तो उसने कुछ ना कुछ प्रेशर यहाँ लगाया होगा उसी तो वापिस गया ना. ये बस में आई. अगर आप आंख बंद करके कमरे में भागो अपने तेजी से बाकी जाओ अगर आप कमरा पार कर गए वैसे ही तो उसके मतलब कोई प्रेशर था नहीं आपके अंदर. अगर धड़ाम से टकरा के दोबारा गिर पड़े समझो तो प्रेशर आपने लगाया वालों तो रूम पर उसने फिर काउंटर प्रेशर लगाया आपके ऊपर. ये बात सुनिए आपको. इसको दोबारा बना लेता हूँ मैं. आगे इसको दोबारा बनाना पड़ेगा एक्चुअली आपको समझाने में सारा खराब हो गया ना. ये देखो मैंने आपको कहा एक मॉलिक्यूल ये है एक सपोज पीछे है ये इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है वॉल पर जिससे प्रेशर बन रहा है गैस का. और हम ये मान के चलते थे इस मॉलिक्यूल के इसके आपस में कोई नाता नहीं है. हम क्या मान के चलते थे कि इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं. ये इसके ऊपर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन कुछ नहीं करता. पर एक्चुअल में क्या करता है ये इसको तो खींच रहा है. मैंने कहा देयर इज सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ गैस. यस सर. मतलब कुछ ना कुछ तो फोर्स के पीछे खींच रहा है ना मॉलिक्यूल उसको. यस सर. अगर ये ना होता तो ज्यादा प्रेशर लगता. मतलब ये ना होता उसको रोक लो तो ये ज्यादा तेज टकरा था ये क्योंकि ये भाग रहा था ये पीछे से खींच रहा था उसी कारण कम प्रेशर से लगा पाया आगे प्रेशर. ये ना हो तो ज्यादा तेज प्रेशर लगता. ये बस में आई. यस सर. तो इसके वजह इसके होने के कारण प्रेशर कम लगा. उस प्रेशर बोलते हैं ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर. इतना प्रेशर कम लगा तो प्रेशर टर्म क्या हो गई P माइनस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर. एक्चुअल में इतना प्रेशर लगा P नहीं लगा ये P आइडियल
जो भी मैं माइनस ये मैं कैंसिल हो गया कि जो ये खींच रहे थे इसको और भी होंगे तो भी खींचेंगे ये भी खींचेंगे तो लेस प्रेशर से आगे बढ़ रहा है ये सब ना होते तो बहुत तेज मारता है ये बात समझ आई? यस सर। इसको बोलते हैं प्रेशर करेक्शन। दूसरा है वॉल्यूम करेक्शन। इसको डालो गुण। यस सर। वॉल्यूम करेक्शन वॉल्यूम करेक्शन का मतलब क्या होता है? हम मान के चलते हैं, हम तो मान के चल रहे थे कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ गैस हाँ मैं आपको बता रहा था जैसे कोई गैस है यहां पर हम मानते हैं कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस याद है कि नहीं? यस सर। क्या बोला मैंने दोबारा बोलो जरा। Volume occupied by the molecules is negligible compared to the volume occupied by gas. Total volume occupied by the gas. पर ये बात गलत है कि कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम मोलिक्यूल ऑक्यूपाई कर रखे है ना, मतलब वॉल्यूम गैस क्या हो जाएगा ये टोटल वॉल्यूम और माइनस ये इनका वॉल्यूम वही तो मोलिक्यूल ऑफ गैस आएगा ना। ये बस भी आई वॉल्यूम इसको लो रियल वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस माइनस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। ये बात समझ आई? इस बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए? वॉल्यूम क्वेश्चन के वी रियल वी आइडियल माइनस एन बी ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई सर। आपको सक्षम इसका मतलब वैसे करेक्शन क्या हुई इसमें? जो मॉलिक्यूल ऑफ गैस का था वो हटा दिया ना, वो डबल काउंट हो रहा है नहीं तो सर मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था तो मेरे को मतलब सुना नहीं मैंने वो। मैं आपको कह रहा था अब ऐसे समझो हमारा जो मानना था
that volume occupied by the molecule of gas is negligible compared to total volume occupied by the gas. आपके आपके घर में एक आपके हॉल के अंदर गैस हॉल का वॉल्यूम था सपोज आपके रूम का 10,000 liter सपोज उसके अंदर जो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम था वो था सपोज 0.5 liter छोटे छोटे वॉल्यूम तो उन्होंने उपाय किया ना जैसे ये जो छोटे छोटे वॉल्यूम है इन्होंने कुछ उपाय किया तो गैस का एक्चुअल वॉल्यूम कितना आया 10,000 माइनस ये इतनी तो गैस ने जगह उपाय करी ना ये तो उसका अपना वॉल्यूम था yes, sir. तो गैस का एक्चुअल वॉल्यूम कितना हो गया आइडियल माइनस एनबी इसे बोलते हैं वॉल्यूम करेक्शन क्या बोलते हैं वॉल्यूम करेक्शन अब इन दोनों बातों को हम ध्यान में रखें तो हमारा ये क्या बन गई P माइनस ए एन स्क्वेयर बाई वी स्क्वेयर वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी ये बन गई वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ फॉर द रियल गैसेस ये प्रेशर करेक्शन ये वॉल्यूम करेक्शन हम पी वी इक्वल टू एन आर टी लेके ना तो प्रेशर भी करेक्शन कर दी और वॉल्यूम करेक्शन कर दी समझ में आया यस सर फॉर वन मोल ऑफ द गैस पी माइनस ए बाय वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी ठीक है यस सर एनसीईआरटी खोलो गुण यस सर वैन डर वाल क्वेश्चन निकालो निकाला निकालिए आपने हाँ गुण यस सर निकाल लिया अब तक हाँ जी ये क्वेश्चन दिखाई दे रही है आपको यस सर उसके नीचे क्वेश्चन पढ़ो जरा से ये नहीं दिख रही पहले वाली दिख रही है ये दिख रही है हाँ जी अगले पेज पलटो उसमें जो होगी देखो वो नीचे लिखा हुआ वन मोल ऑफ गैस नहीं लिखा हुआ नो सर अच्छा उसके नीचे क्या लिखा हुआ जहाँ लिखी हुई है ये क्या लिखा है उसके नीचे इक्वेशन 5.31 इज नोन एज वैन डर वाल्स इक्वेशन इन दिस इक्वेशन एन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस constants A and B are called van der Waals constants and their value depends on the characteristic of a gas. Correct. Value of A is measure of magnitude of intermolecular attractive forces within the gas and is independent of temperature and pressure. अब इस बात को देखो आप एक क्वेश्चन पूछ रहे थे ना कि significance of A एंड B लास्ट से पहला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का ये है ना
radius of van der Waals perimeters. Parameters. हाँ अब पढ़ो जरा अब दोबारा पढ़ो उस बात को. A depends क्या बोला उन्होंने? Measure of magnitude and is independent measure of magnitude. It is the magnitude of force of attraction between the molecule of gas. तो ये क्या है? Force of attraction between the molecule of gas. अब दोबारा पढ़ो. जहां से पढ़ा था ना कि ए दिया हुआ होता है नहीं दिया हाँ दिया वो आपको क्वेश्चन नहीं आया करेंगे ए ही पूछा जाएगा व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ ए एंड बी जो बुक में नहीं है उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे ओके सर हाँ आप पढ़ो क्या लिखा हुआ है आल्सो एट वेरी लो टेंपरेचर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिकम सिग्निफिकेंट एज दीज एज द मॉलिक्यूल्स ट्रैवल विद लो एवरेज स्पीड These can be captured by one another due to attractive forces. Okay. Real gases show ideal behavior when conditions of temperature and pressure are such that the intermolecular forces are practically negligible. The real gases show ideal behavior when pressure approaches zero. The deviation from ideal behavior can be measured in terms of compressibility factor Z. नहीं बी के बारे में नहीं करता बी के बारे में नो सर उससे आगे पीछे लिखा होगा अब लिखो उससे थोड़ा पीछे जाओ विंडो वाले क्वेश्चन जहां डिराइव किए उन्होंने इसके पीछे पीछे पर है विंडो वाले क्वेश्चन कहीं पर लिखा हुआ बी इज अ कांस्टेंट हैविंग बस उसका सही लिखा हुआ है कि the volume occupied by the molecules also becomes significant because instead of moving in volume V, these are now restricted to volume V minus NB, where NB is approximately the total volume occupied by the molecules themselves. Here, B is a constant, having taken into account the corrections for pressure and volume, we can rewrite the equation as P plus an square upon v square वो ये वाली जो ऊपर वाली equation है ये वाली लिखी हुई है हाँ सर इसमें p plus an हाँ square. plus 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 हाँ वो तो pressure में add किया ना तो sorry sorry गलत की हुई है p plus ठीक है तो b okay, is the significance b है ना b is the volume b is the correction For volume, it is also known as forbidden volume. It is around four times of the volume. Of the molecule of a gas. Sir, plus क्यों होगा? Minus तो आपने बोला इसलिए क्योंकि pressure कम हो रहा है attraction. नहीं, actual pressure ज़्यादा था ना उसका. अभी बता दो. इसको ये लिख लिया आपने? नहीं sir, एक मिनट. ये लिख लो फिर समझाता हूँ आपको मैं. वो थोड़ा बातचीत में गलत हो गया वो. Forbidden volume or ignored volume. Ignored volume. Sir, correction in volume. B is the correction for volume. It is also known as forbidden or ignored volume. It is around four times of the volume of the molecule of gas. जो volume gas का चार time नहीं था वो ऊपर नीचे दाएं बाएं होता ना एक molecule तो सारा volume उसका ही है. ओके सर ये लिख लिया सक्षम आपने सर लिख लिया वो फोर टाइम्स वाला नहीं समझा जो हम लोग शादी इसका जो वॉल्यूम लेते हैं ना मॉलिक्यूल का वॉल्यूम वो कितना ले हम एप्रोक्सीमेटली फोर टाइम लेते हैं इसका बी की वैल्यू को क्योंकि वॉल्यूम मॉलिक्यूल इधर 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 होता है वही वॉल्यूम हर जगह तो कौन से मोशन में अगर एक जगह टिका हो तो एक वॉल्यूम ले ले मोशन में चारों तरफ तो फोर टाइम ले लेते हैं एक बार में एक विदिन टाइम फोर जगह पर आएगी ये मानकर ओके सर
जो कैलकुलेशन करके इतने निकाला उन्होंने, ठीक है। अब मैं आपको वो बात समझा देता हूँ, इसको राय दो। हमने कहा ये मॉलिक्यूल है, ये यहां पर टकराता तो प्रेशर बनता है ना। अगर इसका एक्चुअल प्रेशर था पी जिसे टकरा रहा था वो, लेकिन एक मॉलिक्यूल और भी था जो सब नीचे खींच रहा है, तो जो प्रेशर कम आ रहा है ना इसका, जो इतना होना चाहिए अभी एक टकरा खींचेगा इसका प्रेशर कम रह जाएगा। एक्चुअल प्रेशर कितना था, ये प्लस इसका प्रेशर। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? तो एक्चुअल प्रेशर कितना था, पी प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। हम खाली इतना ही ले रहे थे, ये सोचेगी ये कुछ नहीं कह रहा, पर ये अपना खींच रहा है उसके प्रेशर कम कर रहा है, जो कि प्रेशर इतना होना चाहिए था, वो गलती से माइनस का साइन लगा दिया था। समझ बात आई? यस सर। पक्का? यस सर। टोटल प्रेशर ऑन द मॉलिक्यूल ही हो गया ना? हाँ। ओके सर। ठीक है, आप आज आप पढ़ के रखना कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ये थोड़ा पढ़ लेना। अगली बार ये 10 मिनट का बचेगा, 10-15 मिनट का, इसको पढ़ लो पहले, ये 10-15 मिनट इसको करा के हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर देंगे। ठीक है? ओके सर। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट न्यू चैप्टर सर। तो वंडर वंडर वॉल्स पैरामीटर्स ए और बी है ना? हाँ बस। ओके आप क्या कर रहे थे सेक्शन आप? मैं पेपर सॉल्व कर रहा था, तो उसमें जैसे कोई डाउट हो तो आपसे पूछ रहा हूँ। आप पूछो पूछो सर। मतलब अभी करूंगा तो मैंने पेपर्स निकाले। कर लो पहले, कर लो फिर पूछ लेना। ओके सर। तो सर आपका मैं व्हाट्सएप कर दूँ आपको या फिर क्लास में पूछूं? क्लास में पूछ लो।